हम लोग ये प्रूफ कर देंगे गवाह के साथ और उनके सीनियर पदाधिकारी के सामने खड़ा कर देंगे कि डीपीओ किस तरह से घूस लेते हैं, किस तरह से मनमानी करते हैं और सिवान में किस तरह से वो अपना राज चलाना चाहते हैं। जय भगवान परशुराम। हमारे सारे मित्र बंधु, सारे भाई, सारे लोगों, सारे बिहारवासी, सारे सिवानवासी को मेरा सादर प्रणाम। मैं टूना जी पांडे। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति हैं हम लोग और जनता की सेवा करना हम लोग का काम है और करते भी हैं, जितना लगता है हम लोग करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले आप लोग देखे होंगे भगवान परशुराम पर बहुत लोग कैसे गलत टिप्पणी लोग करते थे और कर रहे थे, लेकिन हम लोग उस पर सरकार से, प्रशासन से हम लोग अनुरोध किए हैं कार्रवाई के लिए और उन पर कार्रवाई भी होगी, उसमें कहीं हम लोग घबराएंगे नहीं। माननीय नीतीश कुमार जी के आप पीएम के विषय में लोग कह रहा था, हम लोगों की अपार खुशी होगी कि हमारे बिहार का कोई प्रधानमंत्री बने, तो बिहार का प्रधानमंत्री बनेंगे जिससे हम लोग की भी अपार खुशी रहेगी। और आगे बात देखिए, ऊपर से विकास तो होती रहती है लेकिन जिला में किस तरह से विकास की अवहेलना की जा रही है, किस तरह जनप्रतिनिधियों की अवहेलना की जा रही है, उनके फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे एम्बुलेंस घोटाला का बहुत बड़ा नाम हुआ था और उसका जांच चल रही थी, लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम लोगों को बताया नहीं गया अभी एक बार भी कि उस जांच में क्या हुआ, क्या गलत हुआ था या सही हुआ था। अगर गलत हुआ तो क्रय समिति ने क्यों गलत किया, सही हुआ तो सही हुआ, तो उसमें जनप्रतिनिधि तो कहीं थे नहीं, लेकिन फिर भी जनप्रतिनिधि का नाम आ रहा था। तो अब तक उस जांच के विषय में कुछ पता नहीं हुआ, तो हम लोग प्रशासन, अब तो हम लगभग सोमवार तक का समय लेते हैं आप लोगों से कि बहुत बड़ा उजागर करेंगे डीपीओ कार्यालय और प्रशासन से भी मांग करेंगे कि सिवान के डीपीओ की मनमानी ऐसे चल गई है कि सिवान में जितने जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि की उन्होंने अवहेलना करते हुए और किस तरह से पैसे की लालच में, चाहे किस तरह से कौन कौन सा उन्होंने योजना किस तरह से स्वीकृत करते हैं और किस तरह नहीं करते हैं, पूरे गवाह के साथ हम प्रूफ करेंगे और सरकार को लिखेंगे भी। इसके पहले भी लोग आवाज उठाया था लेकिन उनकी दिशा गलत हो गई थी, उन लोगों को राजनीति से प्रेरित थे, वो विकास के मुद्दे पर उन लोग नहीं थे। देखिए, हम लोग को जानना के अधिकार है कि आखिर जो भी योजना होती है ये योजना कैसे होती है और किस तरह डीपीओ साहब इस योजना को स्वीकृत करते हैं, इसके पीछे की राज क्या है, ये सारा राज किस तरह बिचौलिया उसमें बीच में आते हैं, किसको क्या मिलता है, वो सारा हम उजागर करेंगे मीडिया में आकर के, पत्र लिख करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लेकर ऊपर से नीचे तक हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो कोई भी योजना हो, सारे योजनाओं में सीमान में धांधली हो रही है और लोग कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे थे कि भाई हम लोगों को पता लगेगा कि कब योजना में क्या हो रहा, क्या जा रहा, क्या जांच हुआ नहीं हुआ, क्रय समिति ने क्या किया, क्रय समिति ने गलत खरीदा कि सही खरीदा, उसमें तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। हमको लगता है कि सिवान के सारे जनप्रतिनिधि इसमें हमारा सहयोग करेंगे, आठों विधायक, जितने एमएलसी एमपी जितने लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले माननीय एमपी महोदय द्वारा, सिवान के जो भी सांसद महोदय हैं उनके द्वारा डीपीओ के विरुद्ध में कुछ लिख कर दिया गया था जिस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, जिससे डीपीओ का मनोबल इतना बढ़ गया कि वो किसी माननीय जनप्रतिनिधि का वैल्यू तो करना ही छोड़ दिए हो। तो हम आप सारे सिवानवासी से आग्रह करेंगे कि हम प्रूफ के साथ और डीपीओ कार्यालय के पास धरना देंगे और माननीय अपने जिलाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, गृह सचिव महोदय सबको लेटर द्वारा अवगत कराएंगे कि डीपीओ साहब क्या मनमानी कर रहे हैं सिवान में, उनको सिवान में रखना उचित है, वैसे व्यक्ति को क्यों नहीं सस्पेंड कर दिया जाए, क्यों नहीं सरकार से उनको बर्खास्त किया जाए जो इस तरह से अपने मनमानी चला रहे हैं पूरे सिवान में। और सिर्फ इसकी गलती यह है कि उनने माननीय सांसद महोदय जो उन पर करवा उनको लीक कर दी थी, उस पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई जिससे उनका मनोबल बढ़ गया, उनके दिमाग में बैठ गया सरकारी पदाधिकारी अफसर को कि जब सांसद महोदय द्वारा लिखा गया हमारा कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम सिवान के आठों विधायक जनप्रतिनिधि लोग से,
जितने लोग एमपी जो सिवान के एमपी हैं, सिवान के एमएलसी हैं, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोग से आग्रह करेंगे, चाहे पूर्व के हों या वर्तमान के हों, आप लोग हमारा इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। और डीपीओ का पर्दाफाश करना है, क्रय समिति का पर्दाफाश करना है, क्योंकि उन लोगों के नजर में जनप्रतिनिधि सबसे बड़ा धोखेबाज है। सरकारी पदाधिकारी ये प्रूफ करना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि सबसे खराब है, और हम लोग ये प्रूफ कर देंगे गवाह के साथ और उनके सीनियर पदाधिकारी के सामने खड़ा कर देंगे कि डीपीओ किस तरह से घूस लेते हैं, किस तरह से मनमानी करते हैं, और सिवान में किस तरह से वो अपना राज चलाना चाहते हैं, सारे जनप्रतिनिधियों को किस तरह अवहेलना करते हैं, और सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजना होती है उस पर किस तरह नजरअंदाज करते हैं, जिसमें उनको अपना प्रॉफिट ज्यादा लगता है, वो उतना योजना उनकी अपनी प्रिय लगती है, उसको पहले जल्दी करते हैं। चलिए धन्यवाद, और बहुत जल्दी हम सोमवार के आसपास मैंने एक सप्ताह समय आप लोग से लेते हैं, पूरे कागज के साथ, पूरे प्रूफ के साथ, पूरे गवाह के साथ आप लोग सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय परशुराम, प्रणाम।